हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट मैथ सब्जेक्ट ऑफ क्लास 7। इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, यू हैव टू ओपन योर बुक एंड लिसन टू मी केयरफुली। सो लेट्स कंटिन्यू। सो डियर स्टूडेंट्स, एज वी नो दैट वी वर स्टडाइंग अबाउट एक्सरसाइज नंबर 6.1 इन विच वी हैव कंप्लीटेड टू क्वेश्चंस एंड टुडे वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 इज आइडेंटिफाई टर्म एंड द फैक्टर इन द फॉलोइंग टर्म। तो बच्चों, निम्नलिखित टर्म में हमें क्या करना है, निम्नलिखित एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो टर्म है तो हमें उनको पहचानना है, टर्म्स को पहचानना है और उनके फैक्टर्स भी राइट करने हैं। तो कैसे करेंगे देखेंगे बच्चों। तो बच्चों, मैंने अपनी नोटबुक में 3 का फर्स्ट क्वेश्चन राइट कर रखा है। तो बच्चों, यहाँ पर हमें क्या करना है, टर्म को आइडेंटिफाई करना है। तो बच्चों, टर्म कितने हैं यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, प्लस और माइनस जो होते हैं वो टर्म को अलग अलग हमें शो करते हैं। जैसे यहाँ पर एक टर्म ये है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। तो यहाँ 3 टर्म्स हैं, तो हमें इन टर्म को हमने पहचान लिया है। अब हम इनकी क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो जैसे -5x लिया तो इसके फैक्टर कर लो, तो 5 -5 मल्टीप्लाई एक्स होगा, क्या होगा, -5 मल्टीप्लाई एक्स। उसी प्रकार जैसे 6y है तो 6y स्क्वायर का हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो 6 मल्टीप्लाई y लिख सकते हैं। उसके बाद एक टर्म 8 है तो 8 के क्या फैक्टर हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो इस तरह से हमें फैक्टर करने हैं। वेरी इजी, आगे चलते हैं। तो बच्चों, सेकंड हमारी एक्सप्रेशन है, सेकंड एक्सप्रेशन देखेंगे, 5x y स्क्वायर प्लस 4x y स्क्वायर। तो बच्चों, 5x y स्क्वायर में हम क्या करेंगे, इस टर्म का क्या करेंगे बच्चों, फैक्टर करेंगे। तो 5 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y की पावर 2 है तो y मल्टीप्लाई y लिखा जाएगा, और 4x y स्क्वायर है बच्चों तो 4 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y 2 टाइम्स है तो y मल्टीप्लाई y लिखेंगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, -ab + 3b² - 8a² तो बच्चों, -ab एक टर्म ये है ना, तो इसको -a × b राइट कर सकते हैं, और 3b² है दूसरा टर्म तो 3 × b × b राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्म है 8a - 8a² तो -8 × a × a राइट कर सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, xy + 2x² / y². तो बच्चों, यहाँ पर कितने टर्म है, 2 टर्म है देख सकते हैं आप। तो पहले हमने xy लिया तो xy के हमने फैक्टर कर दिए, x × y लिख सकते हैं। उसके बाद 2x² / y² लिया तो इसके फैक्टर करेंगे, 2 × x² मीन्स x × x एंड y² मीन्स y × y। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 के फैक्टर कर दिए हैं। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 इज PQ + Q² - n। तो बच्चों, PQ एक टर्म ये है तो P × Q राइट कर सकते हैं, Q² तो एक टर्म क्या है हमारा, Q² है तो Q² मीन्स Q × Q, और एक है हमारा -m तो इसको -m ही राइट कर सकते हैं। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है 1.6ab - 3.2b + 4a² ठीक। तो एक टर्म ये है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, तो देर आर 3 टर्म्स इन दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। सो इन फर्स्ट टर्म 1.6ab वी कैन राइट ऑल प्राइम फैक्टर्स, सो ऑल फैक्टर्स 1.6 × a × b दिस टाइप। सो 1.6ab के जो फैक्टर होंगे 1.6 × a × b होंगे, एंड -3.2b के क्या होंगे, -3.2 × b, एंड 4a² के क्या होंगे, 4 × a² मीन्स a × a। तो इस तरह से हमने बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के सारे टर्म को पहचान कर उनके फैक्टर्स राइट कर दिए हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आप चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तुझे कह रहा है कि राइट द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ। तो बच्चों, हमें कोफिशिएंट फाइंड करना है, कैसे फाइंड करना है देखेंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये भी। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 4 का फर्स्ट देखते हैं। तो 4 का फर्स्ट हमें दिया है स्टूडेंट x² (-5xy + 4x² - 7y². तो बच्चों, हमें x² का क्या निकालना है, कोफिशिएंट निकालना है, किसमें, इस एक्सप्रेशन में, कहा ना x² (-5xy + 4x² - 7y²
So we have to identify that which is the coefficient of x square in the expression 5xy plus 4x square minus ny square. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि x square का coefficient क्या है. तो x square बच्चों कहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है. ठीक है, तो यहाँ से निकलेगा. तो x square की multiply में कौन है, 4 है. तो ये 4 है हमारा, वो क्या होगा, इसका coefficient होगा. ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे coefficient of, ठीक है ना, coefficient of x square is या इज इक्वल टू 4. ठीक है ना, ये हो गया हमारा आंसर. क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या करना है, b का निकालना है. किसमें, इन 2.4 a स्क्वायर माइनस 3.2b प्लस 6a स्क्वायर. तो b का इस एलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कोफिशियंट क्या होगा, तो वही बात लिखनी है, कोफिशियंट ऑफ b. ठीक है ना, तो b का कोफिशियंट क्या होगा, तो बच्चे b यहाँ पर दिखाया जा रहा है, इसकी मल्टीप्लाई में 3.2 है, तो 3.2 ही इसका क्या होगा, कोफिशियंट होगा. तो ये कंप्लीट हो गया है. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, 4 का थर्ड है. y इन 3x स्क्वायर माइनस 5y प्लस 7 एंड n. तो बच्चों हमें y का निकालना है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में. तो लिखेंगे कोफिशियंट ऑफ y. तो y का कोफिशियंट क्या होगा बच्चों, यहाँ पर y का कोफिशियंट क्या होगा, तो देख सकते हैं y यहाँ पर है, तो इससे पहले क्या है, माइनस 5, तो माइनस 5 होगा. ठीक है, आगे हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 4. तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कोफिशियंट किसका निकालना है, कोफिशियंट निकालना है एक्स वाई का. तो एक्स वाई इन किस एक्सप्रेशन में, 6x स्क्वायर वाई माइनस 4x वाई प्लस 5 में. तो यहाँ देखेंगे एक्स वाई है, तो एक्स वाई का कोफिशियंट क्या, माइनस 4 है. तो यहाँ लिखेंगे कोफिशियंट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस 4. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 देखें. तो क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, एक्स वाई स्क्वायर का हमें निकालना है इन 4y स्क्वायर माइनस 3xy स्क्वायर प्लस 14xy. तो बच्चों xy स्क्वायर कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इसका कोफिशियंट क्या हुआ, कोफिशियंट ऑफ एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3 है. ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 6 जो लास्ट है. तो बच्चों ये हमें दिया है वाई स्क्वायर का निकालना है इन 5y माइनस 8y स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर. तो बच्चों वाई स्क्वायर का निकालना है, वाई स्क्वायर यहाँ पर देख सकते हैं आप. तो यहाँ पर लिखेंगे कोफिशियंट ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8. तो ये बच्चों हमारा हो गया कंप्लीट. तो बच्चों आज हमने कंप्लीट किया एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4. उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे समय में आ गए होंगे. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. मेरे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, जब तक के लिए थैंक यू.